नमस्कार। आज आई एम सिरमौर का सातवां दीक्षांत समारोह था, जिसमें 250 एमबीए के स्टूडेंट्स और 50 टूरिज्म के स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान दी गई। इन सभी बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी तरह से हुई है। जैसा मैंने कहा, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का था और एवरेज 14.5 लाख का था। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये और बढ़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी एवरेज सैलरी 20 लाख तक लेके जानी है। इंस्टीट्यूट की कोशिश जारी है। इस साल हमने काफ़ी सारे नए फैकल्टी लाए हैं। सभी फैकल्टी अच्छे अच्छे संस्थाओं से पीएचडी करके आए हैं, जैसे IIM से, अमेरिका से है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही फैकल्टी आते रहेंगे और फैकल्टी रिक्रूट कर रहे हैं, ताकि जिसे शैक्षणिक स्तर बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ बढ़ जाए, उनको अच्छा ज्ञान मिले और बेहतर ज्ञान मिले, यही हमारी कोशिश रहेगी। अगले साल हम हमारे कैंपस में भी रहेंगे, ऐसा अनुमान है कि और CPW ने सितंबर का अनुमान दिया है मिनिस्ट्री को, तो हम सोचते हैं सितंबर दिसंबर तक तो हम अपने कैंपस पे रहेंगे और वहाँ से काम और करना और आसान रहेगा। बच्चों को और स्टूडेंट्स को और सुविधा दे पाएंगे, फैकल्टी लोगों को और सुविधा मिल सकती है, तो सभी चीज़ों का स्तर कैंपस में जाने के बाद बढ़ जाएगा। देखिए, हम हिमाचल में हैं और इस हिमाचल के नागरिक हैं, भारत के नागरिक पहले हैं, दूसरे हिमाचल के नागरिक हैं, और हम यही बताना चाहते हैं कि हिमाचल राष्ट्र की, जो हिमाचल देश की, हिमाचल प्रदेश की जो भी प्रगति में अगर हम सहभागी हो सके, जैसे मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी जाके दो बार मिलाया हूँ, उनको भी हमने यही कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं और इस प्रदेश के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे प्रगत राष्ट्र, और जिसे इसके लिए जो भी हमारा उत्तरदायित्व है हम करने को तैयार हैं। वी आर रेडी टू पार्टनर विद द स्टेट इन डिफरेंट वेज। जैसे अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग है तो हम कंपनीज को एडवाइस कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपने जो कैब के बारे में कही और ये कही, आपने सही कहा, क्यों हम जो अंग्रेज जो पीछे छोड़ के गए वो गाउन पहने, वो गाउन लंदन में पहनते हैं, यूके में पहनते हैं। हमारे अपनी खुद की संस्कृति है, अपनी एक अलग विचारधारा है, क्यों ना उसके अनुसार हम ये काम करें। और वो गाउन भी कुछ अच्छे लगते नहीं हैं, काले कलर के गाउन क्यों पहने। तो इसके लिए हमने सोचा ये लोकल जो टोपी है, जो हिमाचल के कल्चर का प्रतीक है, वो हम पहनेंगे। ये जो जिसे हिंदी में अंगवस्त्र कहते हैं और यहाँ पे शाल कहते हैं, वो भी लोकल है। इससे और एक फ़ायदा होता है, हमने जो 300-350 टोपियाँ और ले ली है वो स्टेट हैंडीक्राफ्ट से ली है, ताकि लोकल आर्टिसन को भी उससे वस्तुओं को प्राधान्य मिल सकता है, डिमांड हो सकती है, यही हमका कहना था। हम जो कहते हो करते भी हैं।